इस वर्ष 74वां गणतंत्र दिवस समारोह उपमंडलीय परिसर टोहाना में बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। फतेहाबाद से विधायक डूडाराम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की तथा राष्ट्रगान की धुन के साथ ध्वजारोहण किया। उन्होंने परेड की टुकड़ियों का निरीक्षण किया। परेड की टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया तथा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए मंच के सामने से गुजरी। समारोह में विभिन्न स्कूली बच्चों ने देशभक्ति के साथ साथ हरियाणवी, पंजाबी व देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी। मुख्य अतिथि ने समारोह के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों व शहीद परिवारों को सम्मानित किया। विधायक डूडाराम ने संबोधन के माध्यम से देश पर कुर्बान होने वाले अमर शहीद को नमन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करते हुए कहा कि सन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। स्थानीय अनाज मंडी में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास एवं उल्लास के साथ मनाया गया है। इसमें बरवाला विधानसभा क्षेत्र से विधायक जोगीराम सिहाग ने अनाज मंडी के प्रांगण में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। विधायक ने कहा कि 26 जनवरी सन 1950 में आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी है। विधायक ने शहीद उधम सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद देवेंद्र सिंह की प्रतिमाओं पर माला अर्पण भी किया। विधायक जोगी राम सिहाग ने कहा कि प्रदेश में हर व्यक्ति को उसके घर द्वार पर ही सरकार की योजनाओं व सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं व सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। पीपीपी पोर्टल पर अब तक 72 लाख परिवारों का पंजीकरण हो चुका है।